Welcome to Simply Lakshmi's Life. हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। सो यहाँ पे अतनु और कृति दोनों आ गए हैं स्कूल और ऑफिस से। और हाँ, और एक चीज़ और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था कि आजकल कृति और मैं, हम दोनों इंस्टा में बहुत सारे रील बना रहे हैं। सो एवरीडे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टा के आईडी शेयर किया हुआ है। सो लंच के बाद हम लोग जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली फ्रूट्स खत्म हो गया था, सो वही लाने के लिए, क्योंकि अतनु भी ऑफिस जा रहा है तो फ्रूट्स लेके जाता है। कृति को भी टिफिन में स्नैक्स ब्रेक में फ्रूट्स दे देती हूँ, तो वही हम लोग जा रहे हैं। Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar. और आज ही सुबह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आजकल हम लोग वेजिटेबल लाने के लिए इतना मार्केट नहीं जाते हैं, बट आज ही आना हो गया। सो लकीली कभी कभी ऐसा होता ही है। सो फ्रूट्स लेने आए थे तो सोचा कि वेजिटेबल भी लेके जाते हैं, और आए हैं तो थोड़ा ज़्यादा करके ही लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आप देख सकते हो बाहर फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल आ रहे हैं। सो विंटर में तो फ्रेश वेजिटेबल मिल ही जाता है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी बहुत ही टेस्टी होता है। सो मैंने सोचा इतना अच्छा वेजिटेबल जब मिल रहा है तो ले ही लूँ। होता है ना, विंटर में कुछ ज़्यादा ही वेजिटेबल शॉपिंग करना हो जाता है। मतलब इतना फ्रेश वेजिटेबल देख के आपका मन करता होगा कि पूरा ही ले लूँ। लेकिन जो भी हो, सस्ता नहीं होता है वेजिटेबल यहाँ का। मतलब प्राइस एक बार जो हाई हो जाता है वही रहता है। Sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you think. और अभी हम लोग खा रहे हैं सूखा पानी पूरी। सूखा पूरी, सूखा पूरी, हाँ सूखा पानी पूरी कैसे हो सकता है? No. हम लोग टाइम से थोड़ा मतलब पीछे ही जा रहे हैं। अभी दिया करके हम लोग चाय पियेंगे। हम लोग आए लेट से तो हाँ, अतनु कृति लेट से आए तो लेट से लंच भी हुआ, तो इसी के कारण। सो बीच में ना सडनली हम लोगों को मतलब बाहर जाने का प्रोग्राम हुआ। एक्चुअली फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल नहीं था कल, कृति को सब्जी भी नहीं था, लेकिन हाँ फूल गोभी एक था, उससे हो जाता, लेकिन वही गए हैं तो कर ही लेते हैं। और बहुत दिन बाद ऐसे हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स लाने के लिए अलग से गए ना। आज ही मैं सुबह बोल रही थी कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे आजकल, थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहे हैं, बट आज ही हम लोग गए। जो जिस दिन जो बोलो ना वही हो जाता है। Guess it never hit you, our conversation day. If I check if you can finish the temperament, the data price is correct on their side. बाहर से आने के बाद वो अपनी पढ़ाई कर लेती है, जो भी होमवर्क रहता है वो सब करती है, और मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, क्योंकि कृति का ऑलमोस्ट होमवर्क हो गया है। वो अपना बैग पैक कर रही है और रात को ही वो अपना बैग पैक करके रखती है, क्योंकि विंटर का मॉर्निंग है। नॉर्मली करके ही रखती है जो भी हो, मतलब विंटर हो या समर हो, सुबह उठ के ना ये सब काम करने जाओ तो बहुत लेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग से कृति का हैबिट था कि वो अपना जो बैग है वो रात को ही पूरा सेट करके रखती है। Some interest from time to time inside all that greatness and all of your adventures you're all alone hold up baby I can sit beside you while you're going on. और आज ना बाहर का वेदर काफी ठंड है, लेकिन अंदर गैस के पास ना गर्मी लग रही है। So, ऐसे ही हो जाते हैं, घर के अंदर का एक अलग टेम्परेचर रहता है, बाहर एक अलग। हाँ, क्योंकि
गैस है अंदर। और कृति मुझे रोटी बनाने में हेल्प कर रही है, उसका होमवर्क हो गया है। कृति अभी रोटी मास्टर हो गई है। कृति हाँ अच्छा बना लेती है। हाँ अच्छा बना लेती है। देखो फूल भी रही है रोटी, और रोटी गोल भी है, दिखाती हूँ। तो भैया देखो चेक करो, देखो टच करो तो देखो। और डिनर के बाद चेंज करके मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में जो छोटे मोटे काम रहते हैं, किचन की सफाई रहती है, वो सब करना पड़ता है। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे आपको एक बहुत ही क्लीन किचन मिलता है, जिसमें काम करने की मज़ा ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे कृति का जो टिफ़िन बॉक्स है वो सब क्लीन कर रही हूँ, फिर चाय का बर्तन ये सब क्लीन करके मैं फिर जाती हूँ सोने। और साथ ही साथ जो सब सामान हम लोग लेके आए हैं उसको भी मुझे अपनी जगह पर रखना है। और यहाँ पे ना मिल्क बास्केट जो है वो अतनु डोर के बाहर रखने के लिए जा रहे हैं। किचन तो मेरा क्लीन हो गया है, अभी मैं जो सामान लेके आई हूँ उसको अपनी जगह पे रखूँगी। और आजकल मैं ना दिन में काम थोड़ा कम रखती हूँ, रात में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि आजकल रात का टाइम ज़्यादा है, दिन का टाइम कम। लेकिन धीरे धीरे जो डे टाइम है ना वो बढ़ रहा है। जैसे मैं पहले दिया करती थी 5:45 में, और अभी मैं 6:20 में दिया करती हूँ। तो ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे टाइम जो है वो ज़्यादा मिल रहा है दिन में। लेकिन अभी विंटर में ना एक आदत सी बन जाती है कि ज़्यादातर टाइम आप रात को ही करो, तो वही मैं कर रही हूँ, मतलब एक महीने से ऐसा ही चल रहा है। If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have. और जब मैं किचन का काम ख़त्म करके आई तो देखा कि अतनु कृति को मेडिसिन दे रहे हैं, और मेडिसिन लेके वो सो जाती है। और उसका ना खांसी जो है वो थोड़ा सा अभी भी है, तो वही उसको क्लियर करना है। सो आज का व्लॉग मैं ही पेंट करूँगी, और ये है मेरा नाइट रूटीन अभी का। सो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आज ना बैंगलोर में ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। तो बस चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।